जी दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ अपने खर्चे बिल्कुल सेट होंगे। और आज मैंने जो पॉडकास्ट बनाना था या अपना वीडियो सीरीज बनानी थी क्रिकेट की, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं बनाई थी, तो ये मत समझिएगा कि आज पाकिस्तान जीता है तो मैंने बना ली थी। मैं काफी दिनों से भरा हुआ बैठा था कि बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, लेकिन हो नहीं पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि कुछ मसाला नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा ना बहुत सारी चीजें थोक दूं दरमियान में, क्योंकि भाइयों आज जीता है पाकिस्तान, जिंदाबाद, ये वाला हिसाब हो चुका है। क्योंकि यार मैंने कहा कि यार खुशी के, हर कोई बोलता है यार तुम जब पाकिस्तान हारता है तब फौरन आने जाते पॉडकास्ट बनाने के लिए, लेकिन जब पाकिस्तान जीत जाता है तब तुम कहीं भी नहीं आते, नजर नहीं आते। तो मैं इसलिए पहले वाले पे नहीं बनाया, फिर मैंने दूसरी वाले पे इसलिए नहीं बनाया कि मैंने कहा चलो यार जीत गया है, ऐसा ना हो सीरीज हार जाए फिर मुझे बनानी पड़े, फिर लोग बोलेंगे। लेकिन मैंने कहा मुझे उम्मीद थी ऊपर वाले की जात से, पाकिस्तान ने जीता था तो जीत गया। अलबत्ता जो वीक पॉइंट्स थे, सबसे ज्यादा वीक पॉइंट हमारा जो था हमेशा से रहा है वो बैटिंग का रहा है, जो पहली वाली में हमने शो कर दिया था कि भाई हमारी कैसी बैटिंग है। लेकिन अब इस चीज से जो है ना, बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करिएगा कि पाकिस्तान एक मैच एज ए नजरबट्टू हार जाता है, क्योंकि उसको नजर लग जाती है। ऐसा ना हो कि फिर शलवार इलास्टिक की तरह एकदम पट 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 करीब गिर जाए और वो उसकी नजर के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तानी होना अच्छा खेलना शुरू हो जाए, क्योंकि 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 अभी जिम्बाब्वे की सीरीज बाकी है। और जितना प्रेशर पाकिस्तान ने इस वक्त ले लिया था, इतना तो कोई सुबह उठ के 6 बजे बाथरूम में भी नहीं लेता है इस तरह के वो खेल रहा था। लेकिन अभी अगली सीरीज से पता लगेगा कि भाई पाकिस्तान कितने पानी में है, क्योंकि पाकिस्तान का रियल टेस्ट जो होता है ना वो किसी स्ट्रांग टीम के साथ कम होता है, बल्कि वीक टीम के साथ ज्यादा होता है। अभी आपने बांग्लादेश का जो है ना एक मिसाल देख ली, आगे आ रहा है जिम्बाब्वे, आप उसकी मिसाल देख लेंगे, फिर आप बोलेंगे यार हाँ बात तो ठीक थी। तो भाई अब बात करते हैं थोड़े से मैच के रिव्यू की कि क्या हालात हुए थे मैच के अंदर। एज यूजल रूफी ने अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि कहते हैं कि उसका होम ग्राउंड था, लेकिन भूलिएगा नहीं रूफी ने इसी वजह से जो फेंटा खाया था, अगर आपको याद हो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप था या T20 वर्ल्ड कप था, समझ रहा था जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें इतना बुरा फेंटा खाया था, इतना बुरा फेंटा खाया था। उसके बाद उसने कहा था मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा खेलने के लिए, उसके बाद उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ठड़ा 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 खत्म हो गया था, तो उसको भाई को वापस लेकर आए। ये हमारी अच्छी बात है कि जो अगर बोलते ना भाई मैं नहीं खेलना चाह रहा, जिसमें ये मोहम्मद आमिर भी है, ये बहुत सारे लोग हैं कि भाई बोला हम नहीं खेलना चाहते हैं, नहीं, किसी बोलता खुदा का वास्ता आ जाओ हम मर रहे हैं, हमारे पास कोई प्लेयर नहीं, आ जाओ। तो पीछे इतनी लंबी लाइन है कि कराची से लाहौर तक की लाइन लगी हुई थी लड़कों की, कि भाई खेलने के लिए, ये लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से पेशावर या कोयटा, सारी जगह पर। क्योंकि इस दफा अच्छी बात नजर ये आ रही है कि चलो कराची के लोग नहीं है लेकिन केपी के लोग खेल रहे हैं। यूजुअली ये होता था कि भाई एक ही जगह के सारे मिक्स होकर खेल लिया करते थे, आ जाओ भाई तू आ जाओ पुकम करो आवे आवे, लेकिन चलो थोड़ी सी डाइवर्सिटी नजर आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा इनजस्टिस अभी भी हमेशा रहता है उन प्लेयर्स के साथ जो डिजर्व भी करते हैं खेलना, उनको मौका नहीं लगता है। बाहर इस तरह के अभी देखा जाए तो आज के या पूरी ओवरऑल सीरीज के अंदर, ये लास्ट 2 मैचेस के अंदर देखा जाए तो हमारे साहिम अयूब साहब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, क्योंकि उस बच्चे को मेरे ख्याल से बोल दिया होगा कि भाई ये तेरी जो है ना लास्ट है, इस पे तूने देर तक लास्ट करना है, ये तेरे लास्ट सीरीज है। अगर तूने हल्का सा परफॉर्म किया तो पीछे लाइन बहुत लंबी है, और चाहे तू मकौल हमारे एक दोस्त की कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा, चाहे जिसका भी तू बेटा, तो भाई अब जो है ना नाड़ा कस लो और अच्छा खेलना शुरू कर दो, अच्छा प्रदर्शन देना शुरू कर। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की, कि वो कब से बोल रहे थे कि हमने अपने खिलाड़ियों को रेस्ट दे दिया है, ये चले गए हैं सोने चले गए, ऊपर की बर्थ पे लेटे हुए, इधर लेटे उधर लेटे, कौन से खिलाड़ी रेस्ट दे रहे हैं भाई, सारे सारे कमबख्त तो खेल रहे थे। मैक्सवेल उधर खेल रहा था, उन्होंने अपना नया कैप्टन बनाया, वो भी अच्छा खेलने वाला है, सारे पुराने खिलाड़ी, कमिंग खेल रहा है और जैम्पा खेल रहा है, और मेरे ख्याल से मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहे, 3-4 लोग और भी सही मार्च खेल रहा है, सारे के साथ तो खेल रहे हैं। तो कौन से किसको रेस्ट कराया और कहाँ रेस्ट कराया और किधर गए हुए ये मुझे नहीं पता। बहरहाल इन तमाम खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए पाकिस्तान ने एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री ली है, ये असल में उनको पता लग गया था कि इस वक्त हमने हारना है, क्योंकि हमारे सारे चल रहे गर्दिश में, क्योंकि हमारे जो है ना बंदे इस वक्त जिस तरह हम ट्रेन करते हैं उस तरह खेल नहीं रहे, तो अभी हम हारने के चांस है। लेकिन मैंने आपको भी पहले बताया कि पाकिस्तान का मुकाबला होगा असल जिम्बाब्वे से, हल्की टीम के साथ पाकिस्तान ज्यादा प्रेशर में आगे खेल के और ज्यादा जल्दी हार जाता है। क्योंकि मेरी तो ख्वाहिश ये होती है कि हर दफा पाकिस्तान को ये बताया जाए कि पाकिस्तान का ये जो मैच है ये उसका लास्ट मैच है, जिस तरह कहा जाता है ना कि भाई ये नमाज आखिरी नमाज है, इस तरह से पढ़ो, इस तरह पाकिस्तान का लास्ट मैच, इस तरह के ऐसा बम्बाट खेलेंगे बंदे को कि हाँ यार ये टीम है खेलने वाली, इससे मुकाबला करने की जरूरत है।
बहरहाल प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच रूफी साहब बने हैं, और बहुत डिजर्विंग है, और इस दफा सबकी तेज गति वापस आ गई है, सिवाय मुझे सिर्फ जो थोड़ी रिजर्वेशन है नसीम शाह से। अक्सर लोग यही बोल रहे हैं कि यार उसने काफी वजन पुट ऑन किया। भाई उसको बताओ कि ये जो चर्सी कढ़ाई है इसको, इसके ऊपर थोड़ा हल्का आग रखे हर जगह। मैंने एक वीडियो में अपने पहले भी लिख बनाया इसे, मैंने दिखाया था कि ये लोग एक रेस्टोरेंट में गए और किस तरह एक बड़े से बकरे को जो है ना, पूरा रोस्ट बकरा आता है, उसको ऐसा खाना शुरू करते हैं जैसे कि चंगेज खान की फौज दोनों तरफ से खा रही है उसको, और यूं हड्डियां पीछे छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई इसके ऊपर कोई ध्यान दे, कोई इनको बताए कि भाई इस तरह इंसानों के तरीके से खाना है, इंसानों में भी प्लेयर्स के तरीके से खाना है, ये तो जानवर से ही बदतर तरीके से खाते हैं। इनको थोड़ा सा इनका खाना वाला कंट्रोल किया जाए, और ये पूरी प्रॉपर वॉच रखी जाए कि भाई क्या खाना है, क्या इनका इनटेक है। लेकिन मसला ये है ना कि ये वो है, वो कश्ती है जिसमें एक सुराख बंद करो तो दूसरा खुल जाता है, एक बंद दूसरा बंद करो तीसरा खुल जाता है। इस तरह करके बंदा कहता है कि भाई मैं अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अब देखते हैं अगली सीरीज में कि किस तरह जो है ना पाकिस्तान अपना प्रदर्शन करता है, तेज गति, स्लो गति, नहीं हल्की गति, और उसके साथ साथ जो है ना लंबे लंबे लफाड़े इधर से उधर, ये प्रदर्शन अच्छा होगा नहीं होगा, ये होगा। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी खबर ये आई है कि इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में नहीं आएगा खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये एक बड़ा सेटबैक है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया पर ट्रस्ट करता है कि हम जाके खेलेंगे इधर, और इंडिया हमेशा जो है ना वो फिर इस तरह का काम करता है। भारत पता नहीं मैं क्या इसके बारे में बोलूं, क्योंकि मेरे देखने वाले इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी है, लेकिन दिस इज नॉट अ फेयर गेम। सही है, आपने जब बुलाया था कि भाई आ जाओ, तो आपको भी जो है ना उसका रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स देना चाहिए। भारत ये चीजें थोड़ी सी इस तरह की हैं, इसके बारे में मजीद भी बात हो सकती है, लेकिन चलो आज खुशी का दिन है, खुशी का मौका है, अच्छा खेला है पाकिस्तान, तो उसको एंजॉय करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।